हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? आप देख रहे हैं अर्निंग एंड ग्रोथ। ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही कारामंद वीडियो देता रहता है हर वक्त। आज एक ही ऐसे ही एक खास कारामंद वीडियो के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है वही व्हाट्सएप यूज करता है। 99.99% व्हाट्सएप यूजर है जिसके पास मोबाइल है। तो इससे आप कारामंद काम भी लेते हैं और डे टू डे अपने बंदे तो हर किस्म के काम लेते हैं। कोई इसको सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, बाकी बहुत से ऑफिस वर्क और प्लस 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 बीसियों काम लिए जा सकते हैं, दर्जनों काम लिए जा सकते हैं। तो इसके चार ऐसे सेक्रेट जो आपको मालूम नहीं है, या मालूम है तो आप काम नहीं लेते। जिस तरह भी है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, आपके यकीनी इल्म में इजाफा करेगा। वीडियो तो पूरा देखिए। नंबर एक है कि आप उसका एक ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सिक्योरिटी देगा, और वो फंक्शन है इधर ही मौजूद है। मसलन मैं किसी को अगर पिक्चर भेज दूं, मसलन ये पिक्चर भेज दिया, तो इस पिक्चर को मैं इधर क्लिक करूंगा टाइम फ्रेम तक। टाइम फ्रेम में ये वन टाइम होगा। दोस्तों जिस मोबाइल में मैंने ये भेजा है वो इधर आया, ये देखें इस नसर अपडेट से नीचे वाले में आया। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ये आ गया, अभी जब दोबारा मैं क्लिक करूंगा अभी नहीं होगा। ये इंतहाई कारामंद है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि रिस्क है। उधर आप एक ही मतलब भेजे, बंदा देखे, हालांकि वो बंदा स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन अक्सर कोई स्क्रीनशॉट समझ में नहीं आता। वो बंदे को आप काम दिखा सकते हैं, बकाया आपका गायब हो जाएगा। तो काफी हद तक एक सिक्योरिटी है, को परमानेंट उसके मोबाइल में नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले ले वो बिल्कुल, वो फिर भी परफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कुछ हद तक सिक्योरिटी है। दोस्तों जब आप अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में प्राइवेसी में जाएंगे, रीड एंड रिसेप्ट मैसेज, ये अब मैसेज देख रहे हैं, ये ऑन है। जब ऑफ करेंगे तो आपको कोई ऑनलाइन नहीं देखेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। हालांकि आप ऑनलाइन होंगे भी किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ इस टिक को ऑन एंड ऑफ करने से। ऑफ करेंगे कोई आपको नहीं देख सकेगा, अगर क्योंकि आप बिजी हैं, कुछ किसी को न जानना देना चाहते हैं कि वो आपका न जाने आपका एक्टिविटी, आपका ऑनलाइनपन, तो आप सिंपली इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर ग्रीन है तो सिंपली आपको करना क्या है, जब ग्रीन है तो ऑन है, अगर ऑफ करना है बैक करें, ग्रे होगा और ग्रे मीन ऑफ, यू आर सिक्योर, डोंट बी वॉरिड कि कोई नहीं जान सकता कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। हालांकि मोबाइल ऑन है, देखें वाईफाई ऑन है, लेकिन कोई जान नहीं सकेगा। ये एक सिंपल सा फायदा है जिसे आप ले सकते हैं फ्रॉम व्हाट्सएप। दोस्तों इसका तीसरा फंक्शन मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, ये मेन स्क्रीन में इधर जाएंगे, जब आप क्लिक करेंगे ऑन राइट साइड दिस थ्री डॉट्स पे, सेटिंग में जाएं, सेटिंग में अकाउंट में जाएं, अकाउंट में सिक्योरिटी पे जाएं, ये देखें फिलहाल ऑफ है। इसको ऑन करेंगे आपको सिक्योरिटी मैसेज या सिक्योरिटी अलर्ट मिलते रहेंगे, जिससे आप बखूबी वाजे होंगे कि आपका सिक्योरिटी का लेवल भी इसका बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप का हैक भी नहीं हो सकेगा, अगर हैक करने का कोई कोशिश कर रहा होगा तो आपको मैसेज आएंगे। ये ऑन रखें तो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों चौथा जो सबसे अहम मैं फंक्शन बताने जा रहा हूँ, जिसके पास डिवाइसेस हैं, चाहे टेबलेट्स, लैपटॉप या डेस्कटॉप, कोई भी डिवाइसेस हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, अगर उसमें वो अपना व्हाट्सएप खोलना चाहता है, तो इसके लिए पहला व्हाट्सएप ने ये बेटा वर्जन भेजा था जो इजी था, कभी कनेक्ट होता था कभी नहीं होता था। तो अभी इस बेटा वर्जन को मुकम्मल किया है, बाकायदा परमानेंट किया है, परमानेंटली आपके फोर डिवाइस में खोल सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस व्हाट्सएप है या कॉमन व्हाट्सएप वर्जन है। तो मैं अभी ये चार लैपटॉप्स में जाता हूँ और गूगल क्रोम खोलता हूँ, गूगल क्रोम हो या कोई भी फायरफॉक्स या एज हो, देखें ये मैंने पहले से व्हाट्सएप वेब खोला, इसमें भी व्हाट्सएप वेब खोला, इसमें भी व्हाट्सएप वेब खोला, और ये लेफ्ट साइड वाले में देखता हूँ, इसमें भी व्हाट्सएप वेब खोल रहा हूँ और ये खुला व्हाट्सएप वेब। अभी आप देख सकते हैं क्लोजअप लुक में कि चारों जगह व्हाट्सएप वेब खुले हुए हैं।
अभी मैं क्या करूंगा, इसमें स्कैन करूंगा, ठीक है। स्कैन के लिए क्या करना पड़ेगा, इट्स इंतहाई मारूफ जगह है, 3 राइट साइड डॉट्स पे जाके लिंक डिवाइसेस है। लिंक डिवाइसेस अभी 00 हैं, मैंने आपको ट्रेनिंग खातिर 00 किए थे क्योंकि मेरा फिंगर प्रिंट पे है, तो मैं अभी फिंगर खोला, ये जल्दी रिफ्रेश होते हैं आप देख सकते हैं, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि इनका कुछ सर्टेन टाइम के बाद बंद होते हैं। मैं जब नज़दीक जाऊँगा तो ये स्कैन करेगा। दोस्तों ये खुला एक, और जब मैं दूसरा करूंगा फिर भी मेरा फिंगर मांगेगा या पासवर्ड या पासवर्ड या फिंगर नहीं है तो वैसे भी कबूल करेगा। देखो सेकंड को भी कबूल किया और अभी ये दोनों खुल रहे हैं और बल्कि खुले। अभी मैं थर्ड पे जाऊंगा, फिर फिंगर दूंगा, देन ये भी खुलने जा रहा है। देखो इधर आप देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं कि तीनों खुला। अब थर्ड में जाऊंगा मैं, ये थर्ड भी खुल रहा है आप देख सकते हैं। देन थर्ड खुला, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इजीली खुलता है। अभी मैं चारों साइडों में चारों लैपटॉप्स में अपना इजीली काम कर सकता हूँ, मुख्तलिफ फाइल उसमें पड़े हुए हैं तो मैं उनमें भेज सकता हूँ। तो ये इंतहाई सिंपल और इजी फैसिलिटी है जो व्हाट्सएप की तरफ से दिया गया है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, उम्मीद है कि मेरे इस चारों ट्रिक्स से, चारों टिप्स से, चारों सेकेंड से आप फ़ायदा उठाएंगे या जान गए होंगे। दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब्सक्राइब कर लें क्या, ताकि आपको ऐसी मजीद हमारी रिसर्च और तहकीक और कारमंद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।